आसंता काली प्रभु श्रीजगन्नाथंकर बाहुडा यात्रा मान्यवर सर्वोच्च न्यायालयंकर निर्देश क्रमे ए वर्ष रथयात्रा एवं रथयात्रा संबंधित समस्त फेस्टिवल पालित होउची। तेणु आमर जो पुलिस व्यवस्था रही से मध्य संपूर्ण रूपे सर्वोच्च न्यायालय निर्देश को मानि व्यवस्था करा जाइछि। जो कथाटी कहिले जेमती आमर रथयात्रा भक्त शून्य भाव रे हेतिला ठीक सेमती भक्त शून्य भाव रे बाहुडा यात्रा सुनावेश एवं नीलाद्री विजय पर्यंत प्रभुंकर समस्त नीतिकांति हबो। तेणु प्रथम कथाला आमे प्रत्येक भक्त एवं विशेष करी पुरी जनसाधारण जो माने कि रथयात्रा समय रे अकुंठ सहयोग प्रदान करथिले आपणक माध्यम रे तांकु निवेदन करिबु से सहयोग को अतुट रखिबे। प्रभुंकर बाहुडा यात्रा हौ बा सुनावेश हौ ताकु आपण मानक माध्यम रे घरे रही देखिबे। बाकी रहिला जो व्यवस्था आपण जानिछंती रथ जेतेबेले टणा हुए गोटे व्यवस्था भितरे टाणीबाकु पड़ी थाए एते बड़ रथ ताकु आमे जेतेबेले टाणी थाउ आमर रथयात्रा सेवकंकर जो अकुंठ सहयोग आ विशेष करी जो उत्साहजनक कार्यक्रम अनुसार रथ टणाई आसिला आमर दक्षिण मोड़ पुलिस भाई माने कले बाहुडा यात्रा रे भी सही सेवक माने रथ टाणीबार व्यवस्था रही। आमर जो बंदोबस्त आमे रथयात्रा समय रे करिथिलु विशेष करी रथ चारिपट कड़न हो बा विशेष करी बड़ जांड को सील करिवार व्यवस्था सेटा ठीक सही भली अक्षुण्ण रहिबो। आमर समग्र पुरी शहर को आपण जानिछंती जे आजी थारु राती 10टा थारु कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। आमे प्रत्येक पुरी वासी को निवेदन करिबु कर्फ्यू को मानिकी चलिबे। आमर गोटे बड़ दायित्व रहिबो ए कर्फ्यू को केमती ठीक भावरे कार्यकारी करिवाकु पड़िबो। तीन लेयर रे बंदोबस्त रहिछि भुवनेश्वर माने पुरी को आसुथिबा समस्त प्रवेश पथरे आमे कटकणा लागू करिबु जेमती कि लोक पुरी को आसी पारिबे नाही आउ विशेष करि बड़दाण्ड को जो आसी पारिबे नाही सेथिपई दुईटा लेयर रे आमे संपूर्ण बंदोबस्त करिछु। आमर ए जो पूरा बंदोबस्त रे प्राय 70 प्लाटून फोर्स आउ 400 रु ऊर्ध्व अधिकारी नियोजित हेबे। डीआईजी सेंट्रल रेंज को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ए व्यवस्था रहिछि। आमर एसपी पुरी रही तीन जन कमांडांट स्तरीय अफिसर रही प्राय 10 जन 12 जन ऊर्ध्व डेप्युटी कमांडांट स्तरीय अतिरिक्त एसपी स्तरीय अफिसर भी रही। तेणु आमर मुख्य लक्ष्य रेमती रथयात्रा को आम श्रृंखलार सहित भक्तशून्य भाव करने सक्षम होते से आमर प्रचेषा जारी रमें पुणी प्रत्येक भक्तजन विशेषकर पूरीवासी को नवेदन करमें जो अभूतपूर्व श्रृंखला सेने देखते रथयात्रा समय रे सही श्रृंखला को सेने बजाय रखिए। आमर गोटे बड़ दायित्व ये रथ टणारे रही रथ टणा सुरक्षित होगा दरकार। आप देखिंट रथ टणा होगा बेले कड़न रहे जे ए कड़न मुख्य उद्देश्य रहे कौन जे रथ पाखरे केमती लोक रे तेणु निश्चित भाव से व्यवस्था आम कार्यकारी रखिबू आउ विशेषकर जो अन्य व्यवस्था आप देखी केमती फायर रो आरेंजमेंट रही निश्चित भाव में फायर तरफ भी से आरेंजमेंट रशेषकर पानी पकया व्यवस्था जो रही है रथयात्रा बेले। तेणु ये जो समस्त व्यवस्था को आखि आगे रखी आम आमर पुलिस व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर प्रथम कथा आम कहू जे भक्त मानू नवेदन करुचु घर भितर रही जहाँ दर्शन जमीती भी करूँ घर बाहर को आसबे कहीं कर्फ्यूर नियम हूँ सबुठ क्रिटिकल सुप मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय निर्देश मुताबक कर्फ्यू बलवत्तर रेपर्यंत ठाकुर अच्छा रथयात्रा फेस्टिवल चली। तेणु जो भाया आमर रथयात्रा समय निर्देशनामा थी से निर्देशनामा को पुनर्बार आम मैंने कार्यकारी कर ए विषय रे जिलापाल महोदय ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन देइछन्ती सेही इंस्ट्रक्शन कहीं देखु कर्फ्यू एवं किए रहिबो घर सर्वे ए सब विषय रे जो इंस्ट्रक्शन जिलापाल पूरी देइछन्ती सेही अनुसार कार्यकारी करा देखु जिला
ପୁରା ଜିଲ୍ଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆ କରୁଛୁ। ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି 23 ତାରିଖ ଦିନ ବି ସେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏ କର୍ଫ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କଡ଼ନ ଭିତରେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା କଟକଣା ଥିଲା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି କଟକଣା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବେ, ସେହି କଟକଣା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଟଣା ସେବକ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାପମାତ୍ରାକୁ କମେଇବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ହୁଏତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଟଣା ସମୟରେ ଯେମିତି ସେବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।